सुगंधा देवी, अतिथियों का आना आरंभ हो गया है, भोजन तैयार होने में कितना समय लगेगा? हमने खीर बना दी है, बाकी के व्यंजन भी हम अतिशीघ्र तैयार कर देते हैं, आप चिंता मत कीजिए। ओहो, अब इन्हें विचलित कैसे करूं? आपने सब्जी में डालने के लिए मसाला कूटा? मसाला है, 3 दिवस पूर्व शारदा बहन ने मसाला कूटा था, व्यंजनों में प्रयोग करने के लिए इतना पर्याप्त है। 3 दिवस पूर्व कूटा बासी मसाला? शिव 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 शिव, आप तो नाक कटवा देंगी। महाराज महारानी गुरुवर सभी दरबारी सब आ रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, एक बार हम आटा गूंथ ले उसके बाद फिर हम ताजा मसाला भी कूट लेंगे। आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि सब्जी पकने के पूर्व उसमें मसाला डाला जाता है। सब्जी तो पक चुकी है, सब्जी को शीघ्र पकाने के लिए हमने उसमें नमक डाला था, नमक डालने से सब्जी शीघ्र पकती है, पकाने के पश्चात हम उसमें मसाले का छौंक लगा देंगे, इससे सब्जी और अधिक स्वादिष्ट बनेगी। कह तो सत्य रही है। हे माँ, आज सबके समक्ष लज्जित होने वाला हूँ मैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम अभी मसाला कूट लेते हैं। हे माँ, क्षमा करना, मुझे ज्ञात है ये अनुचित है, किंतु सुगंधा देवी के मेरे प्रति आकस्मिक आकर्षण का अंत करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। हम हमारे भाई कृष्ण के साथ ही बैठेंगे। भास्कर कहाँ है? आइए आइए आइए। कैसे हो भास्कर? प्रणाम महाराज। प्रणाम। प्रणाम भानुमति जी। चिल्ला क्यों रहे हो? हमें क्या ऊंचा सुनाई देता है? नहीं, आप ऊंचा नहीं सुनती है, हमें ऊंचा बोलने का रोग है। बताइए, पंडित रामकृष्ण ने आमंत्रित कर लिया? बैठने की व्यवस्था है नहीं। क्यों ना बैठे? लेग गुरु की पैसे गिर पड़े, कमर गई। धनी मनी जाओ। गुरु जी, अरे उठाओ गधो, बैठने उठाओ, लेटने के लिए नहीं। हाय, मर गया। संभालो संभालो। इसलिए बोल रहे थे मत बैठिए, कुर्सी टूटी हुई है। गुरुवर, आप ठीक तो हैं? कहीं चोट तो नहीं लगी? थोड़ी थोड़ी लगी, बच गए गुरुजी। महामंत्री जी, पंडित रामकृष्ण कहाँ हैं? सबको आमंत्रित करके स्वयं उपस्थित नहीं? महाराज, वो रसोई में व्यंजन तैयार करवा रहे हैं, हम अभी बुला कर लाते हैं। विलम्ब हो गया, क्षमा करें क्षमा करें, विलम्ब हो गया। प्रणाम महाराज। प्रणाम पंडित रामकृष्ण। महारानिया, गुरुवर, मंत्रीवर और समस्त दरबारीगण, आप सभी का मैं अपने निवास स्थान पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सबने पधार कर मुझे और मेरे परिवार को कृतार्थ किया। मुझे केवल कुछ समय और दे दीजिए, मैं अभी भोजन की व्यवस्था करता हूँ, तब तक आप लोग विराजिए। कुर्सियाँ तो ठीक रखा करो। महाराज, महारानी जी, आप लोगों को ये जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि आज के भोज के सभी व्यंजन सुगंधा देवी ने बनाए। अद्भुत अद्भुत।
सुगंधा, आपको पाक कला में भी रुचि है? हमें तो ज्ञात ही नहीं था। आप हमारे पास आना, हम आपको स्वादिष्ट व्यंजन बनाना सिखाएंगे। अवश्य महारानी तिरुमल अम्बा जी। धन्यवाद। गुरुजी, मुझे तो लगता है पंडित रामाकृष्णा के परिवार ने सुगंधा देवी को स्वीकार कर लिया है। और आपने हमेशा की तरह बैठे बिठाए पंडित रामाकृष्णा को लाभ करवा दिया। और ये देखना, अब पंडित रामाकृष्णा की दूसरी पत्नी सुगंधा देवी बनेगी। हाँ, और पंडित रामाकृष्णा अपने आप ही बन जाएंगे सुगंधा देवी की अथाह संपत्ति के स्वामी। गुरुजी कुछ करो। कुछ सोच रहे गुरुजी? हमारा पासा तो उल्टा पड़ गया। हम तो पंडित रामाकृष्णा के घर में कलह की अपेक्षा में थे, परंतु यहाँ तो विवाह की धुंध भी बजने की तैयारी हो रही है। सुगंधा देवी से विवाह के पश्चात पंडित रामाकृष्णा सुगंधा देवी की सारी संपत्ति का स्वामी बन जाएगा, और तो और महाराज का समधी भी बन जाएगा। परंतु हम ये नहीं होने देंगे, कदापि नहीं होने देंगे। गुरु है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पंडित रामाकृष्णा जी, आप भी स्थान ग्रहण कर लीजिए। स्थान आप ग्रहण कीजिए सुगंधा देवी। कदापि आप भूल गई हैं कि आप भी इस घर में अतिथि ही हैं। सुनिए, सुगंधा अब अतिथि नहीं है, वो तो हमारी छोटी बहन के समान है। शारदा आज सुगंधा देवी का इतना पक्ष क्यों ले रही है? पंडित रामाकृष्ण सत्य कह रहे हैं, सुगंधा देवी आपके परिवार का हिस्सा नहीं है। सत्य है, सुगंधा देवी भी परिवार का हिस्सा नहीं है। और महारानी चिन्ना देवी सत्य कह रही है। पंडित रामाकृष्ण जी, देखिए बुरा मत मानिएगा, हमें उड़ती उड़ती एक सूचना प्राप्त हुई है कि आप सुगंधा देवी जी से दूसरा विवाह कर रहे हैं, क्या ये सत्य है? क्या ये कैसी बातें करते हैं आप कोतवाल महोदय? शारदा के होते हुए मैं भला दूसरा विवाह कैसे कर सकता हूँ? क्या कहा आपने पंडित रामाकृष्णा जी? भानुमति जी मैंने कहा कि मैं तो पहले से ही विवाहित हूँ, फिर शारदा के होते हुए मैं दूसरा विवाह क्यों करूँगा? परंतु शारदा अनुमति दे तब तो कर सकते हो ना? नहीं, कैसी बातें कर कैसी बातें कर रही हैं आप? भला शारदा ऐसी अनुमति क्यों देगी? हाँ, शारदा और अम्मा ने तो अनुमति दे दी है,
पंडित रामकृष्णा को अनुमति मिल गई है, परंतु कब हमें स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करने की अनुमति मिलेगी? भोजन आरंभ किया जाए। जी जी महाराज। शुरू करो। रामा, मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि तेरे साथ कुछ अनुचित घटित हो गया है जिसका तुझे ही ज्ञान नहीं है? हे माँ, ये सब क्या हो रहा है? मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा? शारदा, तुमने सबसे कहा क्यों नहीं कि तुमने कोई अनुमति नहीं? शारदा, मैंने पूछा तुमने दूसरे विवाह की अनुमति? अम्मा, ये आभूषण भी सुगंधा बहन ने दिए हैं। हे ईश्वर, अब समझा तुमने दूसरे विवाह की अनुमति नहीं दी, अपितु इस धन के बदले में मेरा विक्रय कर दिया, मुझे बेच दिया सुगंधा देवी को। तो इसमें आश्चर्यचकित होने वाली कौन सी बात है? हम आपकी अर्धांगनी है, अर्थात आपके शरीर पर आधा हक हमारा है, और हम अपना आधा हक किसी और के साथ बांटे तो इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सुगंधा यदि आपकी पत्नी बनेगी तो हमें कितना आराम मिलेगा। वैसे भी सुगंधा भास्कर और गुंडप्पा का तो ध्यान रखती है, और तो वो अम्मा की सेवा भी करती है, है ना अम्मा? अरे तुम क्या हाँ में सर हिला रही हो? अम्मा, तुमने भी अनुमति दे दी क्या? मैं अनुमति देने वाली कौन होती हूँ? तू शारदा का पति है, उसकी इच्छा, वो जो चाहे वो करे। मेरा कार्य तो बस ये देखना है कि तू अपनी स्त्री के साथ उचित प्रकार से व्यवहार करता भी है या नहीं। मेरी बात कान खोल कर सुन ले। तूने सुगंधा को बहुत सता लिया, अब दोबारा ऐसा किया तो शुद्ध स्वर्ण के आभूषण है। मति मारी गई है, तुम दोनों की मति मारी गई है। हम जो कर रहे हैं आपको परखने के लिए कर रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि अगर आप दूसरा विवाह करने के लिए मुक्त हों तो क्या आप दूसरा विवाह करेंगे अथवा नहीं। हम ज्ञात करना चाहते हैं कि हमारा आपके प्रति विश्वास सत्य है अथवा मिथ्या। ये क्या उपहास है? भला एक पत्नी एक पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? शारदा ने चंद स्वर्ण आभूषणों के लालच में मुझे बेच दिया। कदापि उपहास कर रही थी, अर्थात मैं सही समझ रहा था, तुम मेरे साथ उपहास कर रही थी ना? पंडित रामकृष्णा, हमने आपसे कहा था ना, एक बार जो हम ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। अब आपको हमारा पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, स्वयं आप भी नहीं। आप त्रुटि कर रही हैं सुगंधा देवी। संबंध प्रेम से बनते हैं और प्रेम अमूल्य होता है। आप उसी अमूल्य प्रेम को धन से खरीदने का असंभव प्रयास कर रही हैं। ओ, तो आपने वो आभूषण देख लिए जो हमने शारदा बहन और अम्मा को उपहार स्वरूप प्रदान किए थे। अब हम इस परिवार का हिस्सा हैं,
हमारे पास जो कुछ भी है वो अब इस परिवार की संपत्ति है, तो उसी संपत्ति में से हमने कुछ संपत्ति शारदा बहन और अम्मा को दे दी। हमें सिर्फ आपका प्रेम चाहिए और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे विवाह के बाद आप हमसे प्रेम भी करने लगेंगे। सब समझ रहा हूँ आप क्या करना चाहती हैं। आप नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? और जब आपको सब ज्ञात ही है तो आप चिंतित क्यों होते हैं? हम पर विश्वास रखिए, हमारे विवाह के पश्चात सब व्यवस्थित हो जाएगा। दामिनी देवी, सर्वप्रथम आप अपने पांव से इस लोटे को गिरा दीजिए, तत्पश्चात इस थाल में अपने पांव रखकर प्रवेश कीजिए। जी हम करते हैं। रुक जाइए। अरे वरुण माला, ये क्या कर रही हो? क्यों कर रही हो? किस लिए कर रही हो? स्वामी, हम सौदामिनी देवी का घर प्रवेश करवा रहे हैं। हाँ। अच्छा तो करवा लो। क्योंकि आज से सौदामिनी देवी हमारी छोटी बहन और शीघ्र ही आपकी पत्नी बनकर हमारे साथ हमारे इस भवन में प्रवास करेंगी। वरुण माला, ये क्या कह रही हैं आप? जी स्वामी, धनी मनी ने हमें आपके और सौदामिनी देवी के संबंध में सब कुछ बता दिया है। गुरु माता, देखिए ना गुरु जी कैसे हमें बड़ी बड़ी आंखों से डरा रहे हैं। तुम दोनों को तो हम बाद में देख लेंगे। देखो वरुण माला, हमारा और सौदामिनी देवी का जो संबंध है वो गुरु और शिष्य वाला संबंध है। आप स्वयं सौदामिनी देवी से पूछ लीजिए। अब बोलिए सौदामिनी देवी, हम सत्य कह रहे हैं ना? वो स्वामी, इसकी आवश्यकता नहीं है। आपका संबंध सौदामिनी देवी से हो या ना हो, आप हमारे ही नहीं पूरे जगत के स्वामी हैं। इसलिए हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, चाहे आप एक औरत के साथ संबंध रखें या हजारों के साथ। यही तो आपकी लीला है। अरे नहीं, जब पंडित रामाकृष्णा दूसरा विवाह कर सकते हैं तो आपको क्या आपत्ति है? हाँ नहीं कर रहे, हमने अपनी दिव्य दृष्टि से ज्ञात कर लिया है कि पंडित रामाकृष्णा कदापि दूसरा विवाह नहीं करेंगे। परंतु ये तो सभी को ज्ञात है कि पंडित रामाकृष्णा दूसरा विवाह कर रहे हैं, और ये तो कल ही भोज में घोषणा हुई है। हाँ वो तो कल की बात थी, हम तो वर्तमान की बात कर रहे हैं। पंडित रामाकृष्णा दूसरा विवाह नहीं कर रहे हैं। आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है? तो चलिए चलिए, आप स्वयं देख लीजिए। चलिए चलिए। हाँ चलते हैं। पंडित रामाकृष्णा, हम तुम्हें दूसरे विवाह के प्रकरण में फंसाकर तुम्हारे परिवार की शांति भंग करना चाहते थे, परंतु तुम्हारे परिवार ने सुगंधा देवी को स्वीकार कर हमारे जीवन को अशांत कर दिया है। हमें पंडित रामाकृष्णा को विवाह करने से रोकना होगा, अन्यथा हमारा विवाह सौदामिनी देवी के साथ हो जाएगा और ये हमारे पद के लिए उपयुक्त नहीं होगा। ये भास्कर, बापू के साथ खेलना है तुझे? क्या बापू, आज प्रातः ही आपका प्यार उमड़ रहा है, अवश्य ही इसके पीछे कोई कारण है। अरे गुंडप्पे, तू आज गुरुकुल जाने के लिए तैयार नहीं हुआ? लामा, आज गुरुकुल में अवकाश है। किस उपलक्ष में? वो मुझे नहीं पता। ए, लामा, मैं मेरे मित्रों के साथ बाल खेलने जाऊं? जा। हाँ। ये देख, तेरी माँ भी आ गई। अब कुछ समय अपनी माँ के साथ व्यतीत कर ले, फिर तो तुझे तेरे नए माता पिता से अनुमति लेकर ही तेरी माँ से मिलने का अवसर मिलेगा। नए माता पिता? हाँ शारदा, जिस तरह तुमने मेरा सौदा किया था, मैंने भास्कर का सौदा कर दिया। अब भास्कर के विषय में चिंतित होना छोड़ो और स्वर्ण मुद्राएं गिनने के विषय में सोचो जो हमें भास्कर के बदले में मिलने वाली हैं। अम्मा, सुना आपने, ये क्या कह रहे हैं?
क्या 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 कह रहा हूँ? देखो अम्मा, भास्कर मेरा भी पुत्र है और तुमने स्वयं ने ऐसा कहा था कि तुम्हारा कार्य केवल ये देखना है कि मैं अपनी स्त्री के साथ कोई भी बुरा व्यवहार ना करूं। तो मैंने शारदा के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया है। सौदा कर दिया है? असंभव, पापा मुझे सब ज्ञात है। ये अम्मा शारदा को मार्ग पर लाने के लिए आपकी कोई नई युक्ति है? शारदा, तुम इतनी चिंतित क्यों होती हो? मैंने कहा ना, भास्कर के नए माता पिता विजयनगर के ही रहने वाले हैं, तो जब कभी मिलने का मन करे उनसे एक दिवस पूर्व अनुमति लेकर भास्कर से मिल लिया करना, है ना? ओ, अब भास्कर के विषय में चिंतित होना छोड़ो और स्वर्ण मुद्राएं गिनने के विषय में सोचो जो हमें भास्कर के बदले में मिलने वाली हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? सत्य कह रहा हूँ, कहे के मैं धन भी ले चुका हूँ और सारी लिखित औपचारिकताएं भी हो चुकी हैं। अच्छा सुनो, अब शीघ्र जलपान का प्रबंध कर दो, क्या है कि भास्कर के नए माता पिता आने ही वाले हैं। तब तक मैं शयन कक्ष में विश्राम कर लेता हूँ, जैसे ही वो आ जाए मुझे सूचित कर देना, ठीक है? अम्मा, शारदा बहन, आप चिंतित ना हो। पंडित रामकृष्ण, प्रणाम। प्रणाम माँ, प्रणाम शारदा देवी। प्रणाम। आप सब? ये सब क्या है? स्वर्ण मुद्राएं। हमने सुना है कि पंडित रामकृष्णा धन के बदले विवाह करने के लिए उपलब्ध है। हम सब भी यहाँ पंडित रामकृष्णा से विवाह करने के इच्छुक हैं। क्षमा करना, हम भी कहाँ आपका समय नष्ट कर रहे हैं। निर्णय तो पंडित रामकृष्णा को ही लेना है। कौन है जो मेरा नाम पुकार रहा है? पंडित रामकृष्णा। हाँ, वैसे आप सब देवियाँ कौन हैं और मेरा नाम इतनी प्रेम से क्यों पुकार रही थी? पंडित रामकृष्णा, हम आपसे विवाह करने आए हैं। सच्ची? जी पंडित रामकृष्णा। उचित है, किंतु धन तो लेकर आई है ना? जी हाँ, धन भी लाई है। अमेश्वरी, शारदा महोदया, कृपया अच्छी तरह से जांच कर लो, देख लो धन की मात्रा उपयुक्त है भी या नहीं। वो बातें कर लेंगी, किंतु मैं आप सभी को निराश नहीं करूंगा, मैं आप सबसे विवाह करूंगा। हाँ, चार चार विवाह। पंडित रामकृष्ण दूसरा नहीं बल्कि तीसरा, चौथा, पांचवा, ना जाने कितने विवाह करने वाले हैं। अब तो आपको हमसे विवाह करना ही पड़ेगा। हाँ, हम तो मात्र आपसे दूसरे विवाह का ही निवेदन कर रहे हैं स्वामी, कर लीजिए ना। अरे पंडित रामकृष्ण, ये क्या अनर्थ कर रहे हो? अरे तुम दोनों देख क्या रही हो, इस धन को अपने संरक्षण में तो ले लो। नहीं, हमें धन की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास पर्याप्त धन है। और अगर धन की कमी होगी तो हम और धन उपलब्ध करा देंगे। तुझे और विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
वाह 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 शारदा देवी, अम्मा की वाणी को शब्द देने का कार्य भी तुमने सुगंधा देवी को सौंप दिया। वाह। और अम्मेश्वरी, मैं और विवाह करूंगा या नहीं इसका निर्णय केवल और केवल मैं ही लूंगा। इन सुंदर स्त्रियों को तो देखो, इनसे विवाह करने के लिए कोई मूर्ख ही मना करेगा। देखो इन्हें, इतनी सुंदर स्त्री तुमने कभी देखी है अम्मा? अरे इनकी मुस्कुराहट देखकर तो तुम मूर्छित ही हो जाओगी। देवी जी, मेरी अम्मा को कृपया एक बार मुस्कुरा कर दिखा दे। अरे नहीं, देखो कितनी छोटी सी, प्यारी सी, नन्ही सी है। हाँ, तुम तो इन्हें गोद में भी खिला सकती हो, भास्कर की कमी भी महसूस नहीं होगी। ये पंडित रामकृष्ण। हमारा तो कद भी एक बराबर है, क्या जोड़ी जमेगी। नहीं, इन्हें देखो कितनी प्यारी प्यारी हैं, भारी भारी भी है। अरे पंडित रामकृष्ण, अपने पांव पर तो कुल्हाड़ी मार ही रहे हो, साथ ही साथ हमें भी घायल कर रहे हो, क्यों? पंडित रामकृष्ण। ए गुरुवर, आप कब आए? जब आपने देखा तभी आए। पंडित रामकृष्ण, आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी है, तनिक आइए। नहीं नहीं गुरुवर, अभी नहीं, अभी समय नहीं है। परंतु समझा कीजिए। ये हमें मरवाएगा। अब आप और कोई विवाह नहीं करेंगे, ना इन स्त्रियों से और ना ही सुगंधा से। हम तो केवल आपसे परिहास कर रहे थे, हम तो ये देखना चाहते थे कि यदि हम आपको स्वतंत्र छोड़ दें तो आप दूसरा विवाह करेंगे अथवा नहीं। अम्मा भी इस योजना में शामिल थी। और सुगंधा, आपका धन और आभूषण वैसे के वैसे पड़े हैं, आप ले जाइए, हमें नहीं चाहिए। और हाँ, हम अपना पति किसी के साथ नहीं बांटेंगे। ये क्या कह रही हैं आप शारदा बहन? आपने हमें वचन दिया था। वो वचन एक मिथ्या थी सुगंधा, आपको स्वयं सोचना चाहिए था। भला एक स्त्री दूसरी स्त्री के साथ अपना पति कैसे बांट सकती है? हमारा क्या होगा? होगा? उठा लो, बस अब हम बोलेंगे। उठा लो ना ये धन और सारे आभूषण, ले जाओ यहाँ से और प्रस्थान करो, निकलो। अरे अब क्षमा करना देवियों, अगले जन्म में भेंट होगी। और सुगंधा तुम, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब हमारे घर से प्रस्थान करने की तैयारी करो। नहीं अम्मा, हम नहीं जाएंगे। आप लोगों ने हमारे साथ पंडित रामकृष्ण का सौदा किया है और आप दोनों अपने वचन से पलट नहीं सकती। रामा मेरा पुत्र है, शारदा का पति है, रामा पे अधिकार हमारा है। परंतु हमने पंडित रामकृष्ण के बदले धन दिया है। तो ले जाइए अपना धन, हमने कब मना किया, ले जाइए। पंडित रामकृष्ण पर किसका अधिकार है इसका निर्णय अब महाराज ही करेंगे। चलिए आप हमारे साथ दरबार चलिए। ठीक है, चलिए चलिए, चलो अम्मा, अब महाराज ही निर्णय लेंगे, चलिए। प्रणाम पंडित रामकृष्ण। प्रणाम। प्रणाम। हम भास्कर को लेने आए हैं। भास्कर को लेने आए, इसका क्या अर्थ है? अच्छा गजासुर महोदय, आप कृपया कल आकर भास्कर को ले जाएं। कहे कि आज मेरे परिवार के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिवस है, हमें किसी आवश्यक कार्य के लिए दरबार जाना होगा, तो मैं चाहता हूँ कि भास्कर आज के दिन के लिए हमारे साथ ही रहे। जैसे आपकी इच्छा पंडित रामकृष्ण जी। ये सब हो क्या रहा है? अरे चलो भाई, दरबार नहीं जाना क्या, महाराज को निर्णय लेना है। दरबार में तो हम भी जाएंगे, चलो दरबार। हाँ चलिए चलिए। तो शारदा देवी ने ये परिहास किया था,
पंडित रामकृष्ण के चरित्र को भांपने हेतु उन्होंने ये योजना रची थी। महाराज, हम तो इसे सत्य मान बैठे थे। शारदा देवी ने हमें वचन दिया था कि हमारे धन और आभूषण के बदले वो हमें पंडित रामकृष्ण के साथ विवाह करने की स्वीकृति देंगी। न्याय अवश्य मिलेगा, परंतु इससे पूर्व कि हम अपना निर्णय सुनाएं, हम ज्ञात करना चाहते हैं कि पंडित रामकृष्ण इस विषय में क्या कहना चाहेंगे। रामा। महाराज, महाराज मुझे सुगंधा देवी से विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है। क्या पंडित रामकृष्ण आप? बापू, ये तुम्हें क्या हो गया है? मरवाएगा ये पंडित रामकृष्ण। अब क्या कह रहे हैं? इसका उत्तरदायित्व तो तुम्हें ही जाता है शारदा। महाराज, पत्नी का पति पर अधिकार होता है। शारदा की इच्छा के विरुद्ध रामा का दूसरा विवाह करना न्याय संगत नहीं है। आप सत्य कह रही हैं अम्मा जी। एक पत्नी का अपने पति के ऊपर अधिकार होता है, परंतु कल हम सभी के समक्ष शारदा देवी और सुगंधा देवी के बीच में एक समझौता हुआ था। हम साक्षी उसके। महाराज, हम वही तो कह रहे हैं, हम तो केवल परिहास कर रहे थे, सिर्फ इन्हें जांचने के लिए। शारदा देवी, आप अपनी जिज्ञासा शांत करने हेतु सुगंधा देवी की भावनाओं के साथ कैसे खेल सकती हैं? ये व्यवहार हमारी दृष्टि में अनुचित है और इसके लिए आप दोषी हैं। कल आपने हमें ऐसा सब करने से रोका क्यों नहीं? मैं क्या करती? मुझे क्या पता था हमारे परिहास का ये परिणाम होगा। गुरुवर जी, आपने कहा था ना कि एक विवाह तभी पूर्ण होता है जब वर और वधु दोनों उस विवाह के लिए इच्छुक हो। कहा तो था महाराज, और यहाँ तो वर अर्थात पंडित रामकृष्ण और वधु अर्थात सुगंधा देवी दोनों ही इच्छुक हैं। तो हम कौन होते हैं इस विवाह को रोकने वाले? पंडित रामकृष्ण और सुगंधा देवी का विवाह अवश्य होगा। गुरु माता, पंडित रामकृष्ण के विवाह के साथ साथ अब आप हमारा भी विवाह करवा दीजिए गुरुवर से। हाँ, आप चिंतित ना हो सौदामिनी देवी, आपका विवाह अवश्य होगा। जी सौदामिनी देवी। जी कहिए स्वामी। देखो सौदामिनी देवी, विवाह करने से प्रेम का अंत हो जाता है, तो क्या आप चाहती हैं कि हमारे प्रेम का अंत हो जाए? नहीं नहीं। तो बस हम पर विवाह करने के लिए दबाव मत डालिए कृपया। परंतु गुरु माता, गुरु माता देखिए ना गुरुवर क्या कह रहे हैं। हम प्रयास कर रहे थे। सौदामिनी देवी, यदि स्वामी कह रहे हैं तो परिहास ही होगा। जी जी। महाराज, हमारा आपसे एक अनुरोध है। बताइए। महाराज, हम विवाह होने तक पंडित रामकृष्ण के निवास स्थल में ही रहना चाहते हैं। हमें भय है कि शारदा बहन और अम्मा पंडित रामकृष्ण पर भावनात्मक दबाव डालकर उनको हमसे विवाह करने से रोक ना दें। पंडित रामकृष्ण। महाराज।
हम जानना चाहते हैं इस विषय में आपकी क्या राय है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है महाराज। कितना गिर गया ये पंडित रामकृष्ण। क्या उचित है? तो सुगंधा देवी, आप पंडित रामकृष्ण के निवास पर इनके परिवार के साथ रह सकती हैं। धन्यवाद महाराज। सुगंधा, सुगंधा तुम हमें बड़ी बहन मानती हो ना? कृपया इसका मान रख लीजिए। हम तो केवल परिहास कर रहे थे। हम सत्य कह रहे हैं, हम इनसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। तुम अपना सारा धन वापस ले जाओ, ले जाओ अपना धन वापस और हमारे घर की शांति लौटा दो। इसे मांग मत करो। शारदा बहन, आपके लिए ये एक उपहास होगा, किंतु पंडित रामकृष्ण के साथ विवाह करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। हमें क्षमा कीजिएगा, हम इस संदर्भ में आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। पंडित रामकृष्ण कैसे व्यक्ति हैं आप? स्वामी, द्वार खोलिए स्वामी। क्या बात है प्रिय वरुण माला? स्वामी, धनी मनी इतनी पीड़ा में क्यों चिल्ला रहे हैं? पीड़ा में नहीं चिल्ला रहे हैं, वो प्रसन्नता पूर्वक चिल्ला रहे हैं। वो कहना है कि वो दोनों हमारे और सौदामिनी देवी के विवाह में होने वाले नृत्य का अभ्यास कर रहे हैं और हम अभ्यास करवा रहे हैं। क्षमा कीजिएगा स्वामी, अब तो उनको नृत्य अभ्यास अच्छे से करवाइएगा, हम विघ्न नहीं डालेंगे अब। धन्यवाद जी। गुरुजी, हमारा विश्वास कीजिए गुरुजी। हमने सोचा आपकी दो पत्नियां हो जाएगी तो आपकी पांचों उंगलियां जीवन रहेगी और सर कड़ाई में रहेगा। सुदामिनी आपके हाथ दबाएगी गुरु माता, आपके पैर दबाएगी गुरुजी। सोचिए कंठो, हमारे शिष्य होकर हमें फंसाते हो। गुंडप्पे, तू आज भी गुरुकुल नहीं गया? नहीं लमा, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, प्रातः से ही शरीर में पीला हो रही है। अच्छा, तू जलपान कर ले, फिर मैं तुझे वैद्य जी के पास ले चलता हूँ। नहीं लमा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी देर विश्राम करूँगा तो सब ठीक हो जाएगा। उचित है। हाँ, सुगंधा देवी, आप तो साक्षात अन्नपूर्णा देवी का रूप है। क्या भोजन बनाती है, क्या स्वादिष्ट सब्जी बनाई है, और ये पूरियां तो मतलब। मिथ्या प्रशंसा करना तो कोई आपसे सीखे। अच्छा, आप कृपया तैयार हो जाइए। क्यों पंडित रामकृष्ण? क्योंकि आप मेरे साथ दरबार जाएंगे। आप बुद्धिमान हैं, आपको राजनीति का ज्ञान है, आप मेरे साथ रहेंगी तो मुझे महाराज को सलाह देने में सरलता रहेगी। जी, हम अभी तैयार होकर आते हैं। शीघ्र कीजिएगा। जी। क्षमा करना शारदा, किंतु तुम्हें पहली बार असहाय देखकर मुझे बड़ा ही आनंद आ रहा है। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। आ
आगे पंडित रामकृष्ण। प्रणाम 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 गुरुवर। हमें आपसे ऐसी आशा नहीं थी पंडित रामकृष्ण। बड़े संस्कारी व्यक्ति कहलाए जाते हैं आप। एक और तो सिद्धांतवादी बनते हैं, दूसरी और दूसरा विवाह करने जा रहे हैं। लज्जा नहीं आती पंडित रामकृष्ण? हमारी राय में दूसरा विवाह मत कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो उच्च व्यक्ति कहलाए जाएंगे और अद्भुत निर्णय पंडित रामकृष्ण। आंखें मूंद कर विवाह कीजिए आप, सौभाग्यशाली हैं आप। सुगंधा देवी जैसी सौंदर्य की मूर्ति गुणवती स्त्री भाग्यवान व्यक्तियों को मिलती है। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम प्रणाम। सम्राटों के सम्राट, नरेशों के नरेश, महाबली महाराज कृष्णदेव राय पधार रहे हैं। प्रणाम महाराज। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम दरबार की कार्यवाही देखना चाहते हैं। अवश्य अवश्य सुगंधा देवी, राजनीति में आपकी रुचि से हम परिचित हैं। विराजमान होइए। धन्यवाद महाराज। महामंत्री जी। महाराज। कार्रवाई आरंभ कीजिए आज की। जो आज्ञा महाराज। महाराज, भागदत्ता नरहरी, पुष्पावती देवी और स्नेहलता देवी, ये तीनों आपसे भेंट करना चाहते हैं। महाराज, दोनों स्त्रियों के मध्य भागदत्ता नरहरी को लेकर कुछ विवाद है और ये चाहते हैं कि इस विवाद का निवारण आप करें महाराज। अनुमति है। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। कहिए क्या समस्या है आपकी? महाराज, मेरा नाम पुष्पवती है। बगदत्ता से मेरी मंगनी बाल्यकाल में ही हो गई थी। व्यापार के लिए बगदत्ता दूसरे राज्य चला गया और वहाँ उनकी भेंट स्नेहलता से हुई। दोनों में प्रेम हो गया और अब बगदत्ता मुझे छोड़कर स्नेहलता से विवाह कर रहे हैं। महाराज, मैं जिससे प्रेम करता हूँ उसी से विवाह कर रहा हूँ। पुष्पवती को अपनी मंगनी से मुक्त करके मैं उसका और अपना जीवन बचा रहा हूँ, परंतु यह है कि समझने को तैयार ही नहीं। आपकी मंगनी मुझसे हुई थी तो विवाह भी मुझसे ही होगा। आप ऐसे ही मेरा त्याग नहीं कर सकते। पंडित रामकृष्णा। महाराज, हम जानना चाहते हैं इस विषय में आपकी क्या राय है। महाराज, मेरे विचार से भगदत्ता महोदय और पुष्पवती देवी दोनों ही अपने अपने स्थान पर सही है। चूंकि इनकी मंगनी बाल्यावस्था में हुई थी तो पुष्पवती देवी का भगदत्ता महोदय पर अधिकार बनता है। और ये भी सही है कि भगदत्ता महोदय जिससे प्रेम करते हैं उसी से विवाह करें। पंडित रामकृष्णा, हम आपकी राय जानना चाहते हैं, भगदत्ता महोदय को किससे विवाह करना चाहिए, पुष्पवती देवी से या स्नेहलता देवी से? महाराज, विवाह का मूल आधार ही प्रेम होता है। जिस विवाह में पति पत्नी के मध्य प्रेम ना हो वो विवाह मृत होता है। तो मेरे विचार से भगदत्ता महोदय को स्नेहलता देवी से ही विवाह करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम इस विषय में अपनी राय प्रकट करना चाहते हैं। अवश्य, कहिए। महाराज, हमारी राय में भगदत्ता महोदय को उस स्त्री से विवाह करना चाहिए जो उनसे प्रेम करती है, ना कि उस स्त्री से जिन्हें वो प्रेम करते हैं। भगदत्ता महोदय,
जो स्त्री आपसे प्रेम करती है वो आपके जीवन को सुख से परिपूर्ण कर देगी और आपके जीवन में आने वाली हर कठिनाई में आपका साथ देगी। परंतु सुगंधा देवी जी, ये भगदत्ता महोदय को कैसे ज्ञात होगा कि कौन उन्हें अधिक प्रेम करता है कौन नहीं? गुरुजी, यदि पता लगाना इतना ही आसान है ना, अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगाइए, बड़े वाले ज्ञानी है ना आप। रात काल की मार भूल गए गधो। सुगंधा देवी, गुरुवर ने आपसे एक प्रश्न पूछा है, उत्तर दीजिए। महाराज, अत्यंत ही सरल है महाराज, हम परीक्षा लेकर ये ज्ञात कर सकते हैं महाराज कि भगदत्ता महोदय से कौन अधिक प्रेम करती। आप ये क्या कह रहे हैं पंडित रामाकृष्णा, आप किसी के प्रेम की गहराई को परीक्षा लेकर कैसे ज्ञात कर सकते हैं? किया जा सकता है सुगंधा देवी, अभी पता चल जाएगा। पंडित रामाकृष्णा, भगदत्ता के प्रति अपना प्रेम सिद्ध करने के लिए मैं कोई भी परीक्षा दे सकती हूँ। पंडित रामाकृष्णा, मैं भी। उचित है, मैं महाराज से इस परीक्षा को आरंभ करने की अनुमति चाहता हूँ। मंत्रीवर, इस परीक्षा में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं लिखकर देता हूँ, कृपया आप उन्हें मंगवा लें। अवश्य पंडित रामाकृष्णा। एक दूसरे को क्या संकेत कर रहे हैं? सेवक, सूची में जो भी वस्तुएं लिखी हैं, वो उपलब्ध कराई जाएं। तो पैसे यहां रख दीजिए। महाराज, परीक्षा अत्यंत ही सरल है, जो भी भगदत्ता महोदय से अधिक प्रेम करती हैं, उन्हें अपना हाथ इस मटके के अंदर डालना होगा। ये कैसा प्रयास है पंडित रामाकृष्णा, मटके में हाथ डाल के भला प्रेम के संबंध में कैसे पता चल सकता है? ऐसा क्या है इस मटके में, हम भी तो देखें। सावधान गुरुवर। क्या? इस मटके में विषैला सर्प है। अच्छा, सर्प, 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 सर्प। गुरुवर, आइए आइए, देखिए। जी महाराज, इस मटके में एक अत्यंत ही विषैला सर्प है और जो स्त्री भगदत्ता महोदय से अधिक प्रेम करती है उसे ये विषैला सर्प दंश नहीं मारेगा। कृपया दोनों स्त्रियां आगे आएं। We'll be right back.
कट गया। रस्सी रस्सी पंडित रामाकृष्णा मटके में तो मात्र रस्सी है। जी हाँ महाराज, सर्प का भ्रम पैदा करने के लिए मैंने मटके के अंदर रस्सी रख दी थी। अच्छा, तो महाराज ये सिद्ध हो गया कि पुष्पवती देवी भगदत्ता महोदय से अत्यधिक प्रेम करती है, और इस प्रेम को सिद्ध करने के लिए इन्होंने विषैले सर्प की भी चिंता नहीं की। दत्ता महोदय यहाँ आइए। अब आप ही सोचिए, जो स्त्री आपके दूसरे राज्य जाने के पश्चात भी आपकी प्रतीक्षा करती रही, आपको प्राप्त करने के लिए महाराज के समक्ष आ गई, और तो और अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए अपने जीवन की उपेक्षा करके इस मटके में हाथ भी डाल दिया, इसका बोध होते हुए कि इसके अंदर एक विषैला सर्प है, क्या वो आपकी जीवन संगिनी बनने के लिए उपयुक्त तो नहीं है? पुष्पवती, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। पंडित रामकृष्णा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी आंखें खोल दी। धन्यवाद पंडित रामकृष्णा। स्नेहलता, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं नहीं, क्षमा प्रार्थी तो मैं हूँ। पंडित रामकृष्णा ने जो किया उचित किया। पुष्पवती देवी ही आपकी जीवन संगनी बनने के योग्य हैं। स्नेहलता देवी, मैं आशा करता हूँ कि जीवन में आपको भी एक ऐसा योग्य वर मिले जिसे पाने के लिए आप अपना सर्वस्व त्याग करने में कतई संकोच ना करें। धन्यवाद पंडित रामकृष्णा। मैं श्री ले गया, लगता है फिर पुरस्कार मिलेगा। प्रणाम महाराज। सुगंधा देवी जी, अद्भुत। पंडित रामकृष्णा, अद्भुत। हम ये तालियां बजते नहीं देख सकते। बहुत अच्छे सुगंधा देवी, बहुत अच्छे पंडित रामकृष्णा, क्या बात, क्या बात। पंडित रामकृष्णा और सुगंधा देवी की जोड़ी बहुत ही अच्छी है, और दोनों ही बुद्धिमान और चतुर हैं। पंडित रामकृष्णा और सुगंधा का विवाह अत्यंत ही सफल होगा। कृषु, कृषु, प्रणाम महाराज। प्रणाम, प्रणाम। पंडित रामकृष्णा और सुगंधा के शुभ विवाह के लिए कल का मुहूर्त निकाला गया है। और यही शुभ समाचार से आपको अवगत कराने आए थे हम। शुभकामनाएं, शुभकामनाएं पंडित रामकृष्णा, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, चाहते तो नहीं कि आप हमारे दामाद बने, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ना, हमारी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है। धन्यवाद सासू माँ। हाजमा, आपका हाजमा खराब हो गया है। अरे हाजमा नहीं भानुमति देवी, सासू माँ, सासू माँ, धन्यवाद। हाँ हाँ,
हाँ। अद्भुत पंडित रामकृष्णा, सुगंधा देवी, आप दोनों को हमारी ओर से और समस्त विजयनगर राज्य की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद महाराज। आज की सभा यहीं समाप्त होती है। महाराज कृष्ण देव राय की जय। महाराज कृष्ण देव राय की जय। महाराज कृष्ण देव राय की जय। हम भी देखते हैं ये विवाह कैसे संपन्न होता है। ये दोनों यहाँ क्यों आ रही? स्वामी अरे अरे वरुणमाला, सदामिनी देवी, तुम दोनों यहाँ क्यों, किस लिए? स्वामी आप इसी तो भेंट करने आ रहे थे। क्यों? स्वामी अभी अभी हमें एक शुभ समाचार मिला है। क्या? यही कि पंडित रामकृष्ण का विवाह हो रहा है और इस अवसर पर हमने और सदामिनी देवी ने मिलकर एक निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया है? यही कि आपका और सदामिनी देवी का विवाह भी कल ही होगा, उसी मंडप में। हाँ, इस प्रकार समय और धन दोनों व्यय नहीं होंगे और हम कल सदा सदा के लिए बस आपके हो जाएंगे। नहीं। हाँ। इसी को कहते हैं धनी। हाँ, एक पंथ और दो कट, या फिर यूं कह ले एक तीर से दो निशाने। नहीं, एक तीर से तीन निशाने। कैसे गुरुजी? ऐसे गधे। शारदा बहन आप तो पी लीजिए, शीतल पेय पीने से मन में शीतलता आती है। आप तो लेंगे ना? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, धन्यवाद। अरे सुगंधा देवी, आप कहाँ चली? यहीं बैठिए ना जी। हाँ, कितना स्वादिष्ट पेय है, आत्मा तृप्त हो गई अम्मा। प्रणाम पंडित रामकृष्ण। अरे गजासुर अन्ना, प्रणाम प्रणाम। क्षमा करना, कल दरबार में अति आवश्यक कार्य आन पड़ा था, इस कारण भास्कर को आपको सौंप नहीं पाया। कोई बात नहीं पंडित रामकृष्ण। शारदा, भास्कर को लाकर दो। नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, भास्कर हमारा पुत्र है अम्मा। एक क्षण। हाँ शारदा, भास्कर मेरा भी पुत्र है। और देखो तो सही, भास्कर के नए माता पिता इसे देखने के लिए कितना तरस रहे हैं। लाओ भास्कर को दो। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारे भास्कर को हमसे पृथक मत कीजिए। अरे पगली, मैं तुम्हें भास्कर से पृथक कहाँ कर रहा हूँ। मैंने बताया ना, गजासुर अन्ना विजयनगर में ही तो रहते हैं, जब भी भास्कर से मिलने का मन करे मिल लेना। लो भास्कर को दो। नहीं नहीं नहीं, हम भास्कर को नहीं देंगे, नहीं देंगे। अरे दो। नहीं, हम नहीं देंगे। क्या सच में लम्मा तू भास्कर को इन्हें देना चाहता है? हाँ गुंडप्पी, गजासुर अन्ना ने भास्कर के बदले बहुत सारा धन दिया है। और भी दूंगा, बस भास्कर मुझे दे दीजिए पंडित रामकृष्ण। जी जी, अभी देता हूँ। शारदा हटो, भास्कर को लेने दो। शारदा, इतनी चिंतित क्यों हो रही हो? गजासुर अन्ना कल और धन देंगे, मैं उसमें से आधा धन तुम्हें दे दूंगा। नहीं, हमें और धन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अरे बात धन की नहीं शारदा, इससे मिलने वाले सबक की है, जो स्थिति में तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। Thank you.
अम्मा जी, प्रणाम शारदा बहन। शारदा, तेरे तो भाग्य ही खुल गए। अरे घर बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता जो मिल गया। सुना है किसी राज्य की राजकुमारी है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति के लिए भी ऐसा रिश्ता मिल जाए। हम भी। शारदा बहन, भास्कर नहीं दिखाई दे रहा है। वरवधु कहाँ है? तैयार हो रहे हैं? क्या क्या? बैठ जाएं? आइए। महाराज आ गए। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम गुरु। दामिनी देवी, आप भी वरमाला लेकर आई हैं? हम भी वरमाला की व्यवस्था करके आए हैं। छोटी महारानी जी, ये वरमाला तो हम अपने और गुरुवर मोहरत निकल जाएगा। मोहरत निकल रहा है। ये पुरोहित अभी तक नहीं आए। धनमणि जाके देखो पुरोहित कहाँ है। जी गुरुजी, गुरुजी। लेके आओ उन्हें, अन्यथा हमें विवाह करवाना पड़ेगा, जो हम कदापि नहीं चाहते। महाराज, महारानी चिन्ना देवी जी, महारानी त्रिमलम्बा जी, वैसे तो हम भी इस निवास में अतिथि हैं, परंतु हम भी आपका स्वागत करते हैं। पधारिए। आइए आइए, आप भी आइए। जी सर। आइए, थोड़ा संयम रखो। अति सुंदर दुल्हन बनी सुगंधा कितनी सुंदर लग रही है। परंतु पंडित रामकृष्ण जी कहाँ रह गए? नहीं आए तो अच्छा है। ये लीजिए, पंडित रामकृष्ण भी आ गए। प्रणाम महाराज। ये क्यों आ गए? विराजिए। सेवक महोदय, कृपया थोड़ा जल ला कर दीजिए। जी रामकृष्ण जी। अब ये लीजिए, वरवधु आ गए, पुरोहित जी अब तक नहीं आए। अब यदि ये मुहूर्त निकल गया तो एक वर्ष के पश्चात आएगा। हम तो चाहते हैं कि वर्ष वर्ष तक मुहूर्त ना आए। गुरुवर, आप ही विवाह करवा दीजिए ना। हैं? हाँ। अरे पंडित रामकृष्ण, इतने उतावले क्यों आ रहे हैं? आ रहे ना, धनी मनी पुरोहित को लेकर आ रहे हैं। परंतु शारदा देवी कहीं दिखाई नहीं दे रही। शारदा देवी, शारदा, Thank you.
शारदा देवी। हाँ 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 सुगंधा देवी, आप तो साक्षात अन्नपूर्णा देवी का रूप है। क्या भोजन बनाती है आप? कृपया तैयार हो जाइए क्योंकि आप मेरे साथ दरबार जाएंगे। आप बुद्धिमान हैं, आपको राजनीति का ज्ञान है। आप मेरे साथ रहेंगी तो मुझे महाराज को सलाह देने में सरलता रहेगी। दूसरी स्त्री के साथ इनका विवाह देखने से तो अच्छा कि हम अपने प्राण त्याग दें। पुत्र भी गया और पति भी, अब हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। विवाह आरंभ होने वाला है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो। अरे हाँ, जल। प्रातः दूध तो पिला दिया था, अब पता नहीं इतना क्यों रो रहा है। देखिए, माँ की गोद मिलते ही रोना बंद कर दिया। जी इसे कुछ क्षण अपनी माँ की गोद में रहने दो। हाँ। गुरु जी आ गए, रोहित जी आ गए। वधु तो आ गई, वर को भी बुला लीजिए, मैं विवाह संस्कार आरंभ करता हूं। पंडित रामकृष्ण कहां चले गए? पंडित रामकृष्ण से एकांत में बात करने का समय आ गया है। कुछ भी करके पंडित रामकृष्ण को ये विवाह करने से रोकना होगा, अन्यथा हमारे लिए अनर्थ हो जाएगा। पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, पंडित पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, महाराज, महाराज, अम्मा, अम्मा, ये पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, ये पंडित रामकृष्ण, देखो ये अम्मा, ये पंडित रामकृष्ण को क्या हो गया? पंडित रामकृष्ण, महाराज, ये पंडित रामकृष्ण मूर्छित हो गए, ना जाने क्या हो गया इन्हें। पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, गुरुवर, क्या क्या हुआ महामंत्री जी? ये पंडित रामकृष्ण नहीं रहे। आप महिला उठाइए।
हे भगवान, हम दोषी हैं। महाराज, महाराज हमें मृत्यु दंड दीजिए। अम्मा, अब हम क्या करें? अम्मा, हमने अपने पति की प्राण ले ली। ये क्या अनर्थ हो गया भगवान? होनी को कौन टाल सकता? अभी कुछ समय पूर्व पंडित रामा वर की पोशाक पहने यहां से वहां, वहां से यहां, इधर उधर घूम रहे थे। अब देखो कैसे शांत चित लेटे हुए, ऐसे लेटे जैसे अभी उठकर कहेंगे गुरुवर। उठिए पंडित रामकृष्ण, उठिए, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है, उठिए। अब दरबार में हमसे वाद विवाद कौन करेगा? उठिए पंडित रामकृष्ण, कृपया उठिए, हमें ऐसे छोड़कर मत जाइए, उठिए। महामंत्री जी। महाराज, पंडित रामकृष्ण की अंतिम क्रिया का प्रबंध कीजिए। जो आज्ञा महाराज। सुगंधा बेटी, तैयार हो जाओ, दुल्हन का पोशाक उतार दो और सादे श्वेत वस्त्र पहन लो। तुम्हें पंडित रामकृष्ण के साथ सती होना है। सती? सही सुना, सती। शारदा पर भास्कर का दायित्व है, इसलिए वो सती नहीं हो सकती। नहीं मौसी जी, शारदा बहन पे कोई दायित्व नहीं है। पंडित रामकृष्ण ने जाने से पूर्व भास्कर का सौदा कर लिया था। अब भास्कर के पास नए माता पिता हैं। सत्य कह रही हैं आप सुगंधा देवी, परंतु एक माँ तो एक माँ ही होती है ना। क्या पता कल को भास्कर के नए माता पिता उनका उचित प्रकार से पालन पोषण ना कर पाए तो? क्या पता कल वो शिशु को पुनः लौटाना चाहे तो? और फिर अम्मा जी भी तो है, वृद्ध अवस्था में उनका ध्यान कौन रखेगा? हमारे विचार से भी सती आप ही को होना होगा। महाराज सत्य कह रहे हैं सुगंधा, सती आपको होना पड़ेगा। सुगंधा देवी, धर्म भी यही कहता है। परंतु सती तो विवाहित स्त्री होती है, हमारा पंडित रामकृष्ण के साथ विवाह हुआ कहाँ? परंतु मन ही मन आप पंडित रामकृष्ण को अपना पति मान चुकी थी ना, ऐसी परिस्थिति में विवाह संस्कार केवल एक औपचारिकता बन के रह जाती है। सुगंधा देवी, महाराज सत्य कह रहे हैं, यदि स्त्री या पुरुष अपने हृदय से एक दूसरे को पति या पत्नी मान लें, तो वो भी विवाह ही माना जाता है। नहीं, हम सती नहीं होंगे। सुगंधा, हट्टी मत बनो, ये अनिवार्य है और यही तो प्रथा है।
नहीं हम जी सुगंधा देवी, अब आप पीछे नहीं हट सकती हैं। नहीं, हम सती नहीं होंगे। हम पंडित रामकृष्ण से कोई प्रेम नहीं करते थे और ना ही हमने उन्हें अपना वर माना था। हम शारदा के साथ किया अपना सौदा निरस्त करते हैं। हम सती नहीं होंगे। हम सती होने के लिए तैयार हैं। महाराज, भास्कर के पास अम्मा और गुंडप्पा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे पश्चात भास्कर का ध्यान अम्मा और गुंडप्पा अच्छे से रखेंगे। नहीं मत रो गुंडप्पे, मत रो। इनके बिना तो हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यदि मुझसे इतना ही प्रेम करती हो तो सदैव मुझे सताती क्यों रहती हो? पंडित रामकृष्ण जीवित? प्रणाम गुरुवर। अरे प्रणाम प्रणाम। अरे आप तो सचमुच जीवित हैं। ये तो चमत्कार हो गया। जय शिव शंकर भोले बाबा, जय शिव शंकर। धन्यवाद धन्यवाद, आपने चमत्कार कर दिया। ये कोई चमत्कार नहीं है गुरुवर। आपको वो पिशाच और उसका धूर्त तांत्रिक साथी स्मरण है? वो पिशाच योग द्वारा अपनी श्वास और नाड़ी की गति रोक लिया करता था। स्मरण है, स्मरण है। बस उसी योग का प्रयोग करके मैं भी कुछ क्षणों के लिए मृत हो गया था। और ऐसा करना सुगंधा देवी को सबक सिखाने के लिए अनिवार्य था। प्रणाम सुगंधा देवी। कल आप ही ने दरबार में कहा था ना कि विवाह उसी स्त्री से करना चाहिए जो आपको अधिक प्रेम करती है, तो मैंने तो पहले ही यही किया। शारदा से अधिक प्रेम इस संसार में मुझे और कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैंने विवाह भी उसी से किया है। और इस योजना का प्रयोग आपको यही ज्ञात कराने के लिए किया गया था। और इसके लिए मैं महाराज और भानुमती देवी का सदैव ऋणी रहूंगा, जिन्होंने इस योजना को सफल बनाने में मेरी सहायता की। महाराज, भानुमती देवी, सुगंधा देवी को सबक सिखाने के लिए ऐसा करना आवश्यक है और मेरे विचार से यही एकमात्र मार्ग है। पंडित रामकृष्ण कह रहे हैं कि सुगंधा जी को सबक सिखाने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। जी पंडित रामकृष्ण उचित, हम तैयार हैं। धन्यवाद धन्यवाद महाराज। अद्भुत पंडित रामकृष्ण।